Milan, the fashion capital of the world and the second most visited city of Italy. आज मैं एंड आप साथ में इस सिटी की हिस्ट्री एंड आर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक इस खूबसूरत वर्चुअल जर्नी को एक्सपीरियंस करने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आफ्टर वी लैंडेड एट लिनाटे एयरपोर्ट, विच इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू मिलान सिटी, वी टूक ए बस टू गो टू मिलान सिटी सेंटर। बस का टिकट आप डायरेक्टली बस के अंदर टिकट मशीन पे अपना डेबिट कार्ड टैप करके ले सकते हैं। आफ्टर वी रीच्ड मिलान सेंट्रल स्टेशन इन द मॉर्निंग, हम लोगों ने हमारा सामान की पॉइंट बैगेज सेंटर में रखा, जो कि मिलान सेंट्रल स्टेशन पे है, क्योंकि हमारा एयरबीएनबी चेक इन आफ्टरनून में 3 बजे था। To explore Milan, we took one day Milan City Pass for 12 euro. Milan Central Station से हम लोगों ने ट्रेन लिया towards Duomo, our first tourist destination in Milan. अभी हम हैं हमारे आज के पहले स्पॉट पे। ये मिलान का काफी फेमस स्पॉट है, क्योंकि आजू बाजू आप देख सकते हैं काफी सारे लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। इसको बोला जाता है डोइमो, या आप इसको मिलान कैथेड्रल भी बोल सकते हैं। ये जो कैथेड्रल है, ये 1789 में स्टार्ट किया गया था बनाना। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस कैथेड्रल का कि इसको कंप्लीट होने के लिए पूरे 600 साल लगे थे। आप देख सकते हैं इसका जो आर्किटेक्चर है, पूरे वाइट मार्बल से बनाया गया है। और इसके अंदर जाके हम देखने वाले कि अंदर क्या क्या आर्ट हमको देखने को मिलने वाला है। काफी रिलैक्सिंग है अंदर, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाली है इस कैथेड्रल के अंदर। और इसके टॉप पे भी हम जाने वाले हैं, इसके टॉप से आप लोगों को मिलने वाला है मिलान सिटी का पैनोरामिक व्यू। तो चलते हैं और देखते हैं, ये जो कैथेड्रल है इसके अंदर भी जाएंगे हम, और इसके टॉप के पे भी जाएंगे और देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यू कैन टेक ऑनलाइन टिकट ऑफ मिलान कैथेड्रल, विच इंक्लूड्स कैथेड्रल रूफ टॉप टेरेस, आर्कोलॉजिकल एरिया एंड म्यूजियम। हम लोगों ने 20 यूरो का टिकट लिया, जिससे आप एलिवेटर से फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते हैं। You can also take 15 euro ticket and use staircase to go to first floor. Cathedral has 3 floors. At each floor, you can learn about 600-year-old institution and development of this extraordinary patrimony of art, culture and history that is the symbol of Milan. रूफटॉप पे टाइम स्पेंड करने के बाद आप लोग स्टेयरकेस से कैथेड्रल के अंदर जा सकते हैं। इनसाइड द कैथेड्रल यू कैन फाइंड अ वेल्थ ऑफ आर्ट एंड फेथ इंटरट्विंड। यू कैन आल्सो गो टू आर्कोलॉजिकल एरिया, जो कि कैथेड्रल के नीचे है। अभी हम हैं हमारे आज के दूसरे स्पॉट पे, जो कि मिलान कैथेड्रल के जस्ट साइड में है। और ये एक मॉल है, इसको इटली का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉल बोला जाता है, जो कि 1800 सेंचुरी में बनाया गया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मॉल, इसका नाम है विटोरिया एमेनोला 2। और इसका नाम जो है, ये जो किंग था किंगडम ऑफ इटली का, इसके नाम पर दिया गया है। ये पहला किंग था किंगडम ऑफ इटली का, और उसी के नाम पर ये जो मॉल है इसका नाम है। सारे फेमस ब्रांड के शॉप आप लोगों को यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। चलते हैं मॉल के अंदर एंड चेक करते हैं यहाँ शॉपिंग करना वर्थ है या नहीं। मॉल के अंदर टाइम स्पेंड करने के बाद वी वर एट लुइनी, वन ऑफ द फेमस बेकरी ऑफ मिलान।
यहाँ पे आप लोगों को साउथ इटालियन स्ट्रीट फूड मिलेगा, जिसको पांजो रोटी कहा जाता है। ये सबसे सस्ता एंड डिलीशियस स्ट्रीट फूड है इटली का। पांजो रोटी एक ब्रेड है जो कि आपको अलग अलग फिलिंग्स के साथ मिलता है, जैसे कि टोमेटो एंड मोजरेला, रिकोटा एंड स्पिनच। यू कैन ऑल्सो फाइंड हियर डिलीशियस स्वीट्स। ये हमारा आज का तीसरा स्पॉट है जिसका नाम है कैसलो फ्रांसिस्को। ये जो कैसल है ये 15th सेंचुरी में बनाया गया था, और ये कैसल जो है ये जो मिलान को रूल करती थी फैमिली, उन फैमिली का ये कैसल है। काफ़ी बढ़िया कैसल ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा है, और इसकी एंट्री फी जो है वो भी फ्री है, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ये काफ़ी पास है सेंट्रल स्टेशन से, तो आप डायरेक्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ आ सकते हैं। और इस कैसल का जो डिफेंसेस है ये लियोनार्डो द विंची ने खुद बिल्ड किया हुआ है। काफ़ी फेमस कैसल है यहाँ का इसी के कारण। और जो मिकेलांजेलो जो था उसका जो लास्ट स्टैचू था वो भी इस कैसल में आप लोगों को मिलने वाला है। तो देखते हैं कि इस कैसल में हम क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Castle is now houses several of city's museum and art collections. Take a trip to the on-site museums which displays countless historic and iconic artworks. अभी हम हैं हमारे आज के चौथे स्पॉट पे जो कि कैसल था उसके जस्ट सामने ही है, और ये है एक पार्क जो कि काफ़ी फेमस पार्क है यहाँ का, जिसका नाम है पार्को सैम्पियानो। ये पार्क जो है ये 19th सेंचुरी में ओपन किया था इसको पब्लिक के लिए। इसके पहले ये हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, जो कैसल है इन फैमिली के लिए जो हंटिंग ग्राउंड था ये एक एरिया था। यहाँ पे अभी ओपन पार्क है, आपको यहाँ से छोटे से लेकर ओल्ड एज तक सारे लोग यहाँ पे रिलैक्स होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं यहाँ पे, और फिर बाकी जो सिटी का टूर है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखते हैं और क्या क्या स्पॉट आजू बाजू देखने को हम लोगों को मिलने वाले हैं। In the evening we were at Navoli Grande, one of the most charming and vibrant area of city. ये एक कैनल है और इसके साइड में आप लोगों को काफ़ी सारे स्ट्रीट शॉपिंग के शॉप्स मिलेंगे। यहाँ पे आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी मिलेंगे जहाँ पे आप डिनर एंजॉय कर सकते हैं। We ended our beautiful Milan trip with delicious dinner here. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।